दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपनी खुद की देश के बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए दोस्तों, पता लगाते हैं। फन फैक्ट नंबर वन, दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस जो कि इंडिया में ही है। ऐसा पोस्ट ऑफिस आपको कहीं नहीं मिलेगा जो कि मिलेगा हमारी देश में। अगर आप कभी कश्मीर जाए तो ये देख कर जरूर आना, आपको ये मिल जाएगा कश्मीर के डाल लेक में। एक चिट्ठी छोड़ के आइएगा जरूर। फैक्ट नंबर दो, इंडिया का बनारस दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। बहुत समय पहले इंसान जब अपनी वैगाबोंड लाइफ जी रहे थे, तब उन लोगों ने कहीं बसने के लिए सोचा। फिर उन लोगों ने गंगा नदी के किनारे एक खूबसूरत शहर बसाया जिसको नाम दिया बनारस। पर इंडियन माइथोलॉजी के अनुसार लॉर्ड शिवा ने इस शहर को बसाया था 5000 साल पहले। फैक्ट नंबर तीन, भारत के मौसम राम में दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है जो कि एक गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। मेघों का शहर मेघालय में बसा मौसम राम में साल भर में करीबन 11873 मिलीलीटर बारिश होता है। अगर आपको बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप जिंदगी में एक बार इधर जाइएगा ज़रूर। फैक्ट नंबर फोर, उत्तराखंड में एक लेक है जिसका नाम है रूपकुंड, पर लोग उसे जानते हैं स्केलेटन लेक के नाम से, क्योंकि उस लेक के तलहटी में बहुत सारे हड्डियों का ढेर मिला था। उस हड्डियों के ढेर में 100 से भी ज़्यादा इंसान का खोपड़ी मिला है। ये सब कहाँ से आया कोई नहीं बता सकता, ये आज भी एक रहस्य है। फैक्ट नंबर फाइव, गुजरात में सिर्फ एक वोटर के लिए पूरा एक वोटिंग बूथ बनाया गया था। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ एक वोटर के लिए पूरा एक वोटिंग बूथ। मोहन भरतदास जो गुजरात के गिर फॉरेस्ट में रहता है, उसके लिए ही ये पूरा बूथ बनाया गया था। फैक्ट नंबर सिक्स, महाराष्ट्र में सनी सिंगणापुर नाम का एक गांव है जिधर किसी भी घर में एक डोर तक नहीं है, और गांव वाले कभी घर में ताला भी नहीं लगाते, क्योंकि उस गांव में 300 साल पुराना एक मिथ है। अगर कोई उस गांव में चोरी करे तो कर्म फलदाता शनि देव उस चोर को सजा जरूर देगा, इसलिए उस गांव में कभी चोरी भी नहीं होता। इसलिए लोग कभी ना तो ताला लगाते हैं ना ही उनके घर में कोई दरवाजा है। फैक्ट नंबर सेवन, गुजरात में तुलसी सयम नाम का एक हिल है जो ग्रेविटी को मार देता है, बिल्कुल मैग्नेटिक हिल की तरह। इधर भी अगर गाड़ी को न्यूट्रल करके छोड़ दे तो गाड़ी पहाड़ की ढाल से नीचे जाने के बजाय ऊपर आता है ना दोस्तों, मजे की बात। फैक्ट नंबर एट, दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट का मैदान जो कि हिमाचल प्रदेश में है, जो सी लेवल से करीबन 2144 मीटर ऊंचा है। इस मैदान का नाम आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मिल जाएगा, जो कि भारत के लिए एक गर्व का बात है। फन फैक्ट नंबर नाइन, 1963 में इसरो के द्वारा बनाया हुआ इंडिया का पहला रॉकेट जो अपनी लॉन्च पैड तक साइकिल से ले जाया गया था, और आज हम मंगल तक पहुंच गए। ऐसे ही शुरुआत होता है दोस्तों। फैक्ट नंबर 10, दुनिया का सबसे ज्यादा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट भारत में ही उत्पन्न होता है, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। फन फैक्ट नंबर 11, दोस्तों आप सभी को तो पता ही है कबड्डी का जन्म हमारा देश में ही हुआ था, और फैक्ट तो ये है आज तक जितने भी कबड्डी का वर्ल्ड कप हुआ है सब हमारा देश ने ही जीता है। सिर्फ लड़कों ने नहीं, हमारे देश की लड़कियों ने भी इस खेल में अपना दबदबा बनाए हुए हैं, उन्होंने भी सारी की सारी वर्ल्ड कप जीती है। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों
आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी कुंभ मेले के बारे में सुना है, जो कि 12 साल में एक बार नॉर्थ इंडिया में होता है। पर क्या आपको ये पता है, कुंभ मेला का तस्वीर हम पेज से भी देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कुंभ मेला की तस्वीर हम पेज से भी देख सकते हैं, क्योंकि इस मेले में इतने सारे लोग इकट्ठे होते हैं कि इसको पेज से भी देखा जा सकता है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, अब सभी को ये जान के खुशी होगी कि हमारी देश में दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स है। और दोस्तों, हमारे देश में दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, यानी कि दुनिया की सबसे ऊंचा रोड जिसमें आप कार ड्राइव कर सकते हैं, जिसका हाइट है 18,380 फीट। फन फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, ये जान के आप लोगों को हैरानी होगा कि एक दिन में हमारा इंडियन रेलवेज में जितने लोग ट्रैवल करते हैं वो संख्या ऑस्ट्रेलिया के पूरे पॉपुलेशन के समान है। और दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भी हमारे भारत में ही है, जो आपको जम्मू में मिलेगा। और एक बोनस फैक्ट, दुनिया का सबसे पहला हॉस्पिटल ट्रेन हमारे भारत में ही शुरू हुआ है, जिसका नाम है लाइफलाइन एक्सप्रेस। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, ये जान के आपको गर्व होगा, स्विट्जरलैंड का साइंस डे हमारे देश के होनहार साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को डेडिकेट किया हुआ है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर न्यू इन्फॉर्मेशन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन एंड प्लीज़ डू द लाइक, शेयर एंड कॉमेंट।